अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महानूर दोबारा वापस आ चुकी है अपनी एक नई रेसिपी के साथ। और जो है ना, आप लोगों के व्यूज़ जो थे ना चिकन बंदी के ऊपर, बेहतरीन व्यूज़ थे, मज़ा आ गया। और जो है ना, आपने महानूर को बहुत सपोर्ट करा, बहुत अप्रिशिएट करा, इस वजह से आज महानूर एक और नई रेसिपी लेकर आई है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग उस रेसिपी को पसंद करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा आज की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम महानूर की तरफ। चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो रेसिपीज़, लेकिन बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं चिकन सीख कबाब, और बहुत क्विक, बहुत इजी, अपने घर के मसालों से बहुत जल्दी से यूँ बस फटाफट बनने वाले हैं। और जो है सेकंड रेसिपी है हमारी अनियन रिंग्स, जो कि शाम में इवनिंग स्नैक है, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं केचप से, और जो है मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। उसको हम पैटी बर्गर में भी रख के हम वो कर सकते हैं, रैप शावरमा रैप पे भी जो है हम उसको रख सकते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। सुनने में लग रहा है कि प्याज अनियन रिंग्स, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन सीख कबाब। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें उसके और स्क्रीनशॉट लें। ठीक, तो सबसे हाफ के जी हमने चिकन कीमा लिया है, एक हमने मीडियम साइज प्याज लेनी है, थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट लेना है, दो चमचे दही, एक छोटी कटोरी हमें हरा धनिया लेना है, 6 to 7 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, और थोड़ा सा मतलब अपने हसब जायका आप नमक ले लें, थोड़ी पिसी लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी जो है काली मिर्चें हैं, टी स्पून ही लाल मिर्चें हैं, टी स्पून काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून चाट मसाला है, और 1 teaspoon जो है गरम मसाला है। अच्छा, तो अब प्याज हमने कट कर ली है और स्लाइस में, ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम, और फिर हम अब जब अपना कीमा चॉप करेंगे तो फिर हम उसमें इसको ग्राइंड कर लेंगे, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि चिकन के हैं तो ये हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। वैसे जो बीफ के बनाते हैं उसमें मैं नहीं करती हूँ उस तरह से, लेकिन चिकन में थोड़ा सा फीका फीका लगता है, और टेस्ट उसको अच्छा करने के लिए मैं इसमें ये ऐड करती हूँ, जैसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप दम कीमा भी बनाएं तो वो भी इसमें ऐड कर लें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जब तक ये ब्राउन हो रही है, अब हम जो है अपने कीमा चॉप करने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम चॉप की तरफ आ गए हैं, हम चॉप करेंगे इसको। करी हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं इसमें, ठीक है। और ये जो हमने प्याज ब्राउन करी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है, तो इसी के साथ साथ ही चॉप हो जाएगी, ठीक है।
और अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे लहसुन अदरक, और अब हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा, इतना सही लग रहा है मुझे काफ़ी। तो अब हम इसको मिक्स करके फिर इसके कबाब बना के फिर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारा ये कीमा हो गया है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, और फिर हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अनियन रिंग्स, तो अनियन रिंग्स चलें उसके इन्ग्रीडियंट्स तरफ चलते हैं, और फिर आप सब मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ जो कि है अनियन रिंग्स। तो चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ, और फर्स्ट रेसिपी हमारी है चिकन कबाब। तो वो उसका कीमा मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है, वो आधा घंटा, पौने घंटा, 45 मिनट्स तक मैरिनेट होगा। और ये सेकंड रेसिपी हमारी ये है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो है दो रेसिपीज़ हैं। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ मंदी की रेसिपी बताई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। असल में आज हमारे घर में बना है अरबी गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्होंने कभी भी नहीं खाया होगा। तो पहले मम्मा की बनाती थी अलग अलग खाने, और अब मैं बनाती हूँ, तो जो है अरबी गोश्त बाकी सब के लिए अब वही खाएंगे। और जो है एक सीख कबाब इनके लिए बना के रखती हूँ, सीख कबाब और ये चपली कबाब इनको बहुत पसंद है, तो मैं फ्रीज़र करके ही रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोग के लिए रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ, बहुत ईजी सी रेसिपी थी, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लूँ। और ये अनियन रिंग्स बना रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, और मेरे हस्बैंड भी खाएंगे उसमें से, मैं भी खाऊंगी लेकिन बेसिकली ये बन रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और वो केचप से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो चले इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो ये हैं इसकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें प्याज इस तरह से कट करके रखना है, इस तरह के स्लाइसेस, ठीक है, बहुत पतले ना हो क्योंकि वो डालते में फिर वो टूट जाएंगे, इस तरह के, ठीक है। एक बड़ी प्याज ले लें, मीडियम नहीं लेनी है, बड़ी, सबसे बड़ी साइज़ की प्याज लेनी है, क्योंकि अगर हम मीडियम लेंगे तो फिर वो उसके रिंग्स छोटे बनेंगे, और फिर वो फिर उसमें अच्छा नहीं लगेगा ना, वो देखने में अच्छा लगता है और वो ना खाने में मज़ा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। फिर अच्छा, सबसे पहले दराजे, सबसे पहले हमारा है ये, एक हमें अंडा लेना है, और ये 3/4 कप हमने मैदा लिया है, 2 चमचे हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, 1 टीस्पून या अपने हस्बैंड जायका आप नमक ले लें, थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है इसमें थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा करने के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्चें, बस इसके सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, इजी सी रेसिपी है, शाम में चाय के साथ इसके साथ आप खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, तो ठीक है। और अब हम ये हमने फ्राई के लिए रखा हुआ है ब्रेड क्रम, तो इसकी हम इसको एग लगा के और वो हम फ्राई करेंगे इसको, वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ, असल जो इंग्रेडिएंट्स हैं अभी के वो ये हैं। अब चलते हैं अपने इसकी तरफ, ये हम इसका बैटर बना लेंगे, थिक सा बैटर बनेगा इसका। हम एक साथ नहीं डालना सारा, क्योंकि फिर वो जो है ना इस तरह से हो जाएगा एक साथ। ये इस तरह से हो जाएगा इसका बैटर, देखें। तो इसको अब हमने ना सादा पानी नहीं लेना, इसको ठंडे पानी से इसका बैटर बनाना है, तो इस तरह से पानी आ गया है हमारे पास, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको हमने इस तरह से करेंगे, बैटर बनाएंगे, मैदा हमें थोड़ा सा और ऐड करना है, आई थिंक मुझे इतना काफ़ी लग रहा है मैदा, सब ये वाले इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। इसमें चली गई काली मिर्च, चला गया चाट मसाला, इसमें चला गया चिकन पाउडर, नमक, हम सब ठीक है। अब इसमें चला गया हमारा ये, तो
एकदम से बहुत सारा नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जो है ना इस तरह से देखें बैटर बन गया। इस तरह बहुत पतला भी नहीं बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से थोड़ा सा पतला लग रहा है लेकिन ये अभी 10 मिनट तक ना इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक इंग्रेडिएंट और मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ना बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे तो थोड़ा इसमें जो है सही है, जरा सा एक चुटकी डाल। सबसे पहले हमने इसमें डाला है एक अंडा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें डाला है मैदा, लेकिन मैदा हमें एक एक चमचा करके डालना है क्योंकि अगर हम एक साथ डाल लेंगे तो वो ना बीट हो सकेगा और उसमें लम्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें और एकदम से मैदा डालते ही वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा थिक बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने ठंडे पानी से उसको हमने वो करना है, उसका बैटर बनाना है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने मैदा उसको पूरा डालना है, फिर उसके बाद हमने सारे हमने मसाले चल डलेंगे डालेंगे, इसमें हमने काली मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है और नमक, थोड़ा सा चिकन पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एक चुटकी बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स बता दिए हैं और उसकी क्वान्टिटी भी बता दी है। सही है, तो अब हमारा ये बैटर बन चुका है, ये देखिए इस फॉर्म में हमारा बैटर आ गया है। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और प्याज हमारी ये कट गई है, काट ली है मैंने इसको, इस तरह से काटनी है प्याज वरना फिर उसका मज़ा नहीं आएगा, वो प्याज बड़े साइज के लेनी है। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। हमारी पहली रेसिपी जो थी वो हमारे से चिकन सीख कबाब, तो पहले तो हमें वो बनाना चाहिए थे और उसको फ्राई करना चाहिए था, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना कहें मम्मा आप क्या कर रही हैं आप क्या नहीं कर रही, तो बस तो हमने कहा चलो भाई पहले इनको ये करके बिठा दूँ ताकि, और फिर उसके बाद सीख कबाब बना के फिर आपको फ्राई कर सकते हैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ आ जाए आप, ये हमने इस तरह की प्याज काट ली थी, ये हमने मैदा ले लिया है, ये हमने ब्रेड क्रम लिए हैं और ये इसका बैटर है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कोट जाएगा ये इसमें इस तरह से। ठीक है, ये जाएगा मैदे में और फिर ये जाएगा इसमें। अच्छा जी, तो अब हमारे अनियन रिंग्स हो चुके हैं रेडी, तो अब हम चलते हैं उनकी तरफ अपने हस्बैंड की तरफ और सबसे पहले मैं उनको टेस्ट कराती हूँ ये कैसे बने। खैर वो तो मेरी तारीफ ही करेंगे।
अब हम जा रहे हैं इनकी तरफ। तुने सुने ये टेस्ट करके बताएं। यस ओहो ये रिंग्स बनाया। यस मजेदार खाए मेरे कुछ खा ले। ये बताओ तुम्हें पता है ज़्यादा कि मेरा क्या खाने का दिल चाह रहा है? अनियन रिंग्स और ये वाली चीज़ें जो है ना आपके हर वक्त खाने का दिल चाहता है। ये बात तो है यार, ये बात तो है। और आज आपके लिए डिनर में भी कुछ स्पेशल बन रहा है, आपका फेवरेट। अच्छा यस मतलब आज पार्टी है। पार्टी है रिव्यू देना है इसका या मैं खा लूँ? खा ले बताए ना। अच्छा तुमको भी खराब बना सकती हो क्या? सही से बताएं भाई, सही से बताओ। वीडियो बन रही है ना, सही बताएं। तुमको भी खराब बना सकती हो क्या? लेकिन नो डाउट व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं बेहतरीन बने हुए हैं और जो है ना क्रिस्पी है। ये देखें आप, बिल्कुल क्रिस्पी हो रहा है अच्छे से। ये देखिए इसका क्रिस्प पे, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ना मैं शाम की चाय के साथ इसको खाता हूँ तो बहुत अच्छे हैं। समोसे से तो बहुत बेटर, समोसे से तो खैर बहुत बेहतर है। जो बाहर के समोसे मिल रहे हैं किस तरह तेल में पका रहे हैं कैसे पका रहे हैं उससे तो बहुत ही बेहतर है। और घर में पके हुए, घर के साफ तेल में पके हुए से अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, जिसको भी खाना चाहे शाम की नहीं स्नैक्स के तौर पे तो बेहतरीन चीज़ है। और स्कूल मेरे ख्याल तुम तो बच्चों को स्कूल में रख के ही भेजती हो ना ये? और स्कूल भी बच्चे ले आ सकते हैं और बहुत हल्का केचप डाल के देते हैं और हल्का सा रख के तो बेहतरीन है। और ये आज के 10 out of 10 आज की प्याज भी बहुत मोटी काटी तुमने। वैसे तुम इतनी मोटी काटती नहीं हो, व्यूवर्स के लिए तुम इतनी अच्छी काट रही हो। थैंक यू। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह भाई, तब तक मैं खा रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। ओके अच्छा जी, तो अब हमारे एनिमल्स हो गए हैं तैयार। और जो कि आपको मैं उसका रिव्यू भी दे चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को कैसे लगे, क्योंकि मेरे लोगों को सबको बहुत पसंद है ये पकौड़ों की जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक रमज़ान में और बच्चों को लंच बॉक्स में और बताया बर्गर में और रोल में इसको सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम। और वैसे भी शाम की चाय के साथ अच्छे लगते हैं क्रिस्पी से। अच्छा तो अब हम चलते हैं सी कबाब की तरफ जो कि हमारी फर्स्ट रेसिपी थी। तो अनियन रिंग्स तो हो गए साइड में, अब वो सब खत्म हो चुके हैं फिनिश। तो अब हम आ गए हैं सी कबाब की तरफ, बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। तो अच्छा ये जो है ना सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया था, सब चीज़ें मैरिनेट हो चुके हैं ये। लेकिन ना मैं इसमें थोड़ा सा ना ये ऐड कर रही हूँ, कोई भी ले लें बिहारी कबाब या जो है सी कबाब या किसी का भी ना, थोड़ा सा ना टेस्ट थोड़ा सा वो करने के लिए इसका। टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा इसका। वैसे तो ये भी ठीक है, इन थोड़ा सा अच्छा क्योंकि चिकन के हैं ना तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा अच्छे, क्योंकि जो बाज़ार के मसाले होते हैं उसमें थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर होता है। हम घर के मसालों से भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये कि अगर घर के मसालों से बनाएंगे तो घर के मसालों से भी बन सकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो थोड़ा फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा उसका। बहुत हो गया चमचा, फिर अब हम उसको सी कबाब बनाने के लिए हम तैयार हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे इस तरह से, ये हमें ग्रीस कर लिया अपने हैंड, तो हमने इस तरह से लिया। रेडी, तो अब आप देखें
अच्छा ये जो है ना इसमें थोड़ा सा ना ये इसका क्राउन का वो आ गया था क्योंकि मैंने उसमें अनियन एंड भी फ्राई किए थे और जो है ना सी कबाब भी उसी में फ्राई कर ली, लेकिन ऐसा कोई वो टेस्ट ख़राब नहीं हुआ, बहुत मज़े के बने, बहुत अच्छे। और आप लोग मुझे फीडबैक में लाजमी लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे बने, अनियन रिंग्स कैसे लगे आपको और सी कबाब कैसे लगे। और जो है मुझे आप लोग भी इस पेन पे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। चलें ये कहाँ जा रहे हैं, 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 ये खा लें, ये खा के बताएं पहले। ये भी बनाया आज? यस, ये आज आपका डिनर है, आज आप आएंगे तो फिर तभी तो मैं जिम जा रहा हूँ यार, तभी तो मैं जिम जा रहा हूँ। अच्छा फिर ऐसे ही खा ले, छोड़ ऐसे खा लेता हूँ जल्दी से। यार अभी बनाया ना, गर्म होंगे ना। और आप लोग प्लीज मानो को सपोर्ट करें, इसके पेज पे जाएं, क्रिएटिव फैन नाम है इसके पेज का, और कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो आप इसको DM कर सकते हैं रेसिपी से रिलेटेड। ये हमेशा 24/7 कोच करती है कि जवाब दे, ठीक है। और जो है ना ये खाएगा, हमें बताइएगा लास्ट कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ जिम, आप लोग अपने काम करें, ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई सहमान सफान जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सहमान सफान बताइए, जोर से बोलो।